तो आज मैं आपको महाभारत के प्रसंग के बारे में बताने जा रही हूँ। यह प्रसंग पांडवों के अज्ञातवास के दौरान का है। एक बार पांडवों को प्यास लगती है। पानी की खोज में सबसे पहले सहदेव जाते हैं। उन्हें एक जलाशय दिखता है। वे जैसे ही पानी लेने के लिए जाते हैं, जलाशय के स्वामी यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। उन्होंने न केवल यक्ष के सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने, अपितु उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष खुश हो गए। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे थे। यक्ष के सभी प्रश्न नीति, धर्म और जीवन से जुड़े थे। यक्ष के प्रश्नों में सबसे कमाल का प्रश्न था, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है, यही महान आश्चर्य है। हाँ दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही कमाल का था, क्योंकि इसमें हमारे जीवन की सबसे चौंकाने वाली बात पूछी गई थी और जवाब भी उतना ही आश्चर्यजनक था। हम सभी जीवन में मौत की सच्चाई को जानते हैं, परंतु हर पल इस बात को भूल कर जीते हैं। हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना है, जबकि सच्चाई है कि हम सबको एक दिन यहाँ से जाना है। इस सच्चाई के साथ हम अगर जीने लगे तो हम किसी से भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे। हमें अहंकार नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, हम जीवन को सही मायनों में जी सकेंगे। दोस्तों, इस सच्चाई के साथ जीना सीखें। हम सब एक ही कश्ती पर सवार हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। धन्यवाद।